देखिए तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग राजनीतिक चहल कर्मियों को कैद अपने कैमरे में कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आने वाला समय जो राजनीति का है, अगले 2 महीने में विधानसभा का चुनाव होगा और तमाम पार्टियां अपने जो कैंडिडेट हैं वो सड़कों पे आने की तैयारियां कर रहे हैं, गांव-गांव जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जहां लोग तैयारियां अभी कर रहे हैं और विचार ही कर रहे हैं, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं राजेश महतो, वो गांव-गांव निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे इस समय हम लोग चिटाही में हैं, जो सेक्टर 9 से जब आगे बढ़ते हैं करीबन 0.5 किलोमीटर आगे तो चिटाही गांव पड़ता है, जहां पर ये चिटाही गांव है पूर्व मंत्री अकलू राम महतो का पैतृक गांव भी कहा जाता है, एक गढ़ है। कहा जाता है कि यहाँ से ही अकलू राम महतो ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और उनके पुत्र भी आज उत्तरी क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो चिटाही गांव से ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ लोग हमसे कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद एकदम दे रहे हैं बाबा कि एकदम राजेश महतो निकल जाएगा। क्या लगता है अपने पिता के कदमों पे चल पाएंगे राजेश महतो? हाँ जरूर चलेंगे, एकदम चलेंगे, चलना है। तो राजेश महतो को इस गांव में कितना समर्थन मिलेगा? पूरे गांव मिलेगा, पूरे गांव एकदम, पूरे गांव समर्थन में है, इसमें कमी नहीं है। तो सुना आपने ये तमाम लोग, राजेश महतो भी आ गए हैं, पिता के जन्म स्थल से जहाँ पर पूर्वजों का आशीर्वाद लेके पिता निकला करते थे राजनीति की ओर, आप भी उत्तरी क्षेत्र में आए हैं और अपने पिता के जन्म स्थल पे आए हैं और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेके उत्तरी क्षेत्र में जा रहे, तो क्या कारण है? देखिए ये तो मेरा बाप दादाओं का जन्म स्थल है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हमको यहाँ का लोग, हमारे पिता के जो सभी सगा संबंधी हैं, गोतिया भयाद हैं, उन लोगों का हम आशीर्वाद लेके इस रणभूमि में जो निकले हैं, बोकारो का बचाने के लिए जो रणभूमि में निकले हैं, इसमें हम कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। हमारे यहाँ के जो जो भी लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं ये भरोसा दिला रहा हूँ अपने पिता के जन्म स्थल को कि इसके साथ मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा, हमेशा इसके साथ न्याय करने का काम करूँगा। अच्छा, लोग बता रहे थे कि यहीं पर आपका पैतृक स्थल भी है। जी 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 हाँ, हम तो यहाँ रहा नहीं करते थे, लेकिन मेरे पिता मेरे जाकर पूर्वज यहाँ पर रहा करते थे, इसलिए हम उसको प्रणाम करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा घर है? मेरा घर देखिए ये है बगल में, ये घर हमारे दादाजी का, इस घर में रहा करते थे। अभी कौन लोग रहते हैं? ये हमारी पोतोहू लगती है। अच्छा, तो आप देख ले, ये पूर्व मंत्री अकलू राम महतो का पैतृक स्थल है जहाँ पे पूर्व मंत्री अकलू राम महतो रहा करते थे, अभी यहाँ पे उनके परिवार वाले लोग रहते हैं। आप जरा अंदर आ जाए, तस्वीरें आपको घर की भी मैं दिखा दूँ कि जहाँ पर जो मंत्री रहा करते हैं उनके घर और अकलू राम महतो के पैतृक घर को भी जरा देख ले। अकलू राम महतो का ये पैतृक घर है, इस समय अगर अकलू राम महतो खुद इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो वो भावुक हो गए होंगे, क्योंकि ये उनका पैतृक घर है जहाँ पर स्थिति यथावत है। आज से कई साल पहले इस घर की जो स्थिति थी आज भी यही है, यहाँ पे बकरी छकरी बांधा ही हुआ है, इसी तरह हालात में है। अकलू राम महतो तो यहाँ से कई साल पहले विस्थापित क्षेत्र में चले गए, चास में रह रहे हैं, लेकिन पैतृक स्थल की जरा स्थिति देख ले। एक मंत्री का ये आवास रहा है, जो पहले मंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं, देखने में अलग ज़रूर लग रहा होगा और बोलने में भी मुझे अटपटा लग रहा है, क्योंकि मंत्री का आवास और पैतृक आवास इस तरह का है, इससे तस्वीरें को देखने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, खुद आप समझ गए होंगे। लेकिन राजेश महतो फिर से अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए, बचाने के लिए आए हैं। अब देखिए अकलू राम महतो की कुछ बहू भी हैं, कैसा लग रहा है? पिता चले गए, बेटा फिर से आशीर्वाद लेने आए, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा देखिए, बहुत राजेश महतो के यहाँ सब लोग सगे संबंधी भाभी हैं, आशीर्वाद बन रहा है? हाँ आशीर्वाद बन रहा है, ठीक है। सुना आपने, यही ये राजेश महतो का पैतृक गांव है जहाँ पर राजेश महतो अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अब यहाँ से राजेश महतो महुआर की ओर बढ़ रहे हैं, महुआर जाएंगे, उसके बाद आगे बहुत लंबा दौरा है उत्तरी क्षेत्र का, लेकिन हम लोग इस जगह पर ये तस्वीरें आपको अभी दिखा पा रहे हैं।